के थाना मगोर्रा के कस्बा सोक में कुछ दिन पहले हुई वृद्ध की हत्या के खुलासे को लेकर पीड़ित पक्ष स्थानीय चौकी परिसर में धरने पर बैठ गया। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना का पर्दाफाश करने की मांग की। जानकारी के अनुसार कस्बा के सहजुआ थोक स्थित शमशान के समीप सोमवार को 55 वर्षीय वृद्ध प्रहलाद सिंह की हत्या कर सरसों के खेत में फेंक दिया गया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया, तो वहीं सीओ गोवर्धन जितेंद्र सिंह ने कार्यवाही करते हुए राहुल और शेखर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित पक्ष पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट दिखा और मृतक के परिजनों ने बुधवार को स्थानीय पुलिस चौकी परिसर में हत्या के खुलासे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हुई। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। हमने आपके लिए कोऑपरेट किया, आप किसी ने कोई दंगा किया नहीं किया ना, कोई बदतमीजी हुई? कार्रवाई क्या हो रही है? आज भी आया मैं चौकी, कल भी आया, थाने भी गया कि भैया हुआ क्या, हुआ क्या? किसी ने कुछ बता के ही नहीं दे रहा कोई। क्या परेशान ना हो भाई, क्या पता भाई, आराम से बात करो, आराम से बात करो। आपसे कौन आराम से क्या करे भैया, कब से आराम से बात कर रहे हैं? मैंने आपको कल कॉल किया, आपने मेरा फोन रिसीव नहीं किया, आपने कही आप चिंता मत करो, हम लगे हुए हैं। अरे यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, किसका मामला पूरा? इसका मतलब ये है कि मेरे पापा हैं प्रहलाद सिंह और उनकी हत्या कर दी दो लोगों ने, दोनों हैं और उन पर ये भी नहीं पता चल रहा है कि उनके साथ में कोई और भी था या नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए हमसे ले गए कि जो भी पता चलेगा आपको बताएंगे, चार दिन हो गए अभी तो नहीं तो हमको ये बताया कि कितने उनके साथ था या नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली आपको? नहीं मिली, अभी चार दिन हो लिए, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। जिसमें पुलिस ने अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसको लेकर क्या मामला है? उसको लेकर ये है, हमसे हमने फोन करके पूछा, हम गए थे वहाँ पे, हमको मिला नहीं कोई, नहीं चौकी में मिला, नहीं हमें थाने में मिला कोई, बस एक दो पुलिस वाले मिलते हैं बस, और कोई जवाब नहीं देते। ये बोलते हैं कि एसओ साहब से बात करो, थाने चौकी इंचार्ज से बात करो। हम क्या बात करें, हमारा आदमी भी खो गया, हमारा बाप भी खो गया, फिर भी हम इनसे बात करें क्या करें? पैसे लेके बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमें कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई चाहिए। और उसको ले गए, बोले कि चार्जशीट करा रहा हूँ, चार्जशीट करा रहे हैं, उसको रिमांड पे क्यों नहीं लिया, उनसे क्यों नहीं मंजवाया, क्या कारण था? मेरे बाप का, मेरे बाप पे 50,000 रुपए थे, क्यों ले लिए वो? और मेरे बाप पे बस खाली 150 रुपए मिले, क्यों मिले और किस कारण मिले वो पैसे, क्यों छुड़ाए, क्या कारण था? मेरे पापा ने क्या किया था इसलिए मेरे घर से ले गए उनको मोटरसाइकिल पे बैठा, यही धन्ना देके बैठे रहेंगे हम? उसको जेल भेज दिया, क्यों भेज दिया, हमको बताया नहीं, वो जेल में है, थाने में, हमको कुछ नहीं पता, हमसे बस बोला गया है कि हमने वो जेल भेज दिया है, हम कुछ नहीं आते। मिली भगत के अनुसार यहाँ पे आए दिन जुआ सट्टा शराब ये होता ही रहता है, यहाँ पे चौथ लेके हमारे चौकी इंचार्ज चौथ लेते हैं और तब ये जुआ कराते हैं, कराते हैं जुआ वाले लोगों ने ही उनको मारा है, पैसे के लालच में घर से उठा के ले गए वो लोग, दूध दे के। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।